हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीसीटीवी कैमरा एसेसरीज के अंदर ऐसी 5 टॉप मोस्ट एसेसरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कैमरा की प्रोटेक्शन को लेकर है। यानी कि खुद अगर कैमरा किसी को कवर कर रहा है, आपको बचा रहा है किसी न किसी चीज में, तो उस कैमरे की सुरक्षा करेगा कौन? तो इसके लिए टॉप मोस्ट 5 एसेसरीज हैं, उसके बारे में पूरा वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास में जो एसेसरीज है वो है यहां पर गैंग बॉक्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसको जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं, इसको आप गैंग बॉक्स भी बोलते हैं, इसको आप स्क्वायर बॉक्स भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो एसेसरीज है ये लगाई जाती है कैमरा के पास में या फिर कैमरा के नीचे, इसके ऊपर कैमरा माउंट किया जाता है, या फिर ये कैमरा के पास में भी लगाई जाती है। इसके अंदर आपकी डीसी बीएनसी इसके अंदर रहती है, ताकि उसके अंदर जो रस्ट होती है वो ना लगे और जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। लुक भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो आप जॉइंट्स लगाते हैं तो जॉइंट लगाने के बाद में वो इस तरह से लटका के रखना अच्छा नहीं लगता। तो ये यहां पर आपका जो सीसीटीवी का जो वर्क है उसका ब्यूटिफिकेशन काफी अच्छे से बढ़ा देता है। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है, आप बेटर क्वालिटी को यूज करिएगा। इंडोर के लिए अलग होते हैं, आउटडोर के लिए अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। कई लोग मैंने ज्यादातर देखा है इंडोर वाले ही आउटडोर में लगा देते हैं और फिर एक बारिश और धूप के बाद में वो पीला पड़ जाता है, खराब हो जाता है या फिर टूट के गिर जाता है। सो यहां पर आप पैसा मत बचाइए, करीबन 10 20 30 रुपए का ही फर्क पड़ेगा आपको अच्छी क्वालिटी और जो नॉर्मल क्वालिटी उसके अंदर। तो गो विद द ब्राइट क्वालिटी। इंडोर के लिए अलग होता है, कुछ इस तरह का दिखता है, आउटडोर के लिए अलग होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। सेकेंड नंबर पर हम यहां पर बात करते हैं कैमरा एसेसरीज के अंदर की। आपने कई बार देखा होगा कि जो आउटडोर कैमरा हम लोग लगाते हैं तो वहां पर पक्षी अपना जमावड़ा लगा देते हैं, मतलब पक्षी उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बीट करते हैं या फिर उस कैमरे की लोकेशन को डिलोकेट कर देते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें यहां पर फेस करनी पड़ती है। अब इसके लिए करे तो करे क्या, तो यहां पर आपको बहुत ही सस्ते में आपको यहां पर मिल जाती है। ये कुछ इस तरह की नुकीली दिखने वाली पीवीसी की प्लेट्स आती है जो आपको कैमरा के ऊपर चिपका देनी होती है। अगर आप ये चिपकाओगे तो इसके ऊपर जो पक्षी है, कबूतर है या फिर जो भी है, वो यहां पर नहीं बैठेगा और आपका जो कैमरा है वो डीलोकेट नहीं होगा, और उसके साथ साथ में इनकी जो बीट है उससे हमारा कैमरा भी खराब नहीं होगा। तो इसमें भी करीबन 2-3 टाइप के आते हैं, और एक और इसके अंदर आता है, दैट इज अ फुल कवर, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो आपके पूरे कैमरा को अच्छे से कवर कर लेता है। तो वो भी काम यही करता है कि पक्षी होगा तो वो इस कवर के ऊपर बैठेगा, कैमरा आपका यहां पर सेफ रहने वाला है। थर्ड नंबर पे मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही पुराना है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीसीटीवी केज के बारे में, जो फैब्रिकेटर बना के देते हैं। और लेकिन हम लोग और आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब काम छोटा होता है तो फैब्रिकेटर का यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पाता, उस वजह से एक या दो या तीन हमें खरीदने पड़ते हैं, तो मतलब बोल सकते हैं कि वो इजिली हमें मिलते नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा इन सभी एसेसरीज का, ताकि आप अमेजोन से उसको मंगवा पाएं अगर आपको कोई बनाकर नहीं देने वाला है तो। यहां पर ये कुछ केज इस तरह का होता है, अगर यहां पर कैमरे के ऊपर कोई कुछ चलाता है, कुछ मारता है, तो भी यहां पर कैमरा डैमेज नहीं होता, कैमरा चोरी नहीं होता। तो ये इसके फायदे हैं, तो आप केज भी लगा सकते हैं। लेकिन केज के अंदर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उसके लेंस के आगे वो जाली आ जाती है तो वहां पर हमें रात के टाइम पर विजन में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर अच्छा नहीं दिख सकता है। तो आपको इसके लिए आगे का जो पोर्शन है या तो उसको आपको कट करना पड़ेगा या फिर कैमरा एकदम उसके पास में से लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छा विजुअल यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। चार नंबर पर यहां पर बात करता हूं, ये भी काफी पुराने लोगों को पता होगा कि जो लोग काम करते हैं फिर जो प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं, जी हाँ, सीसीटीवी आउटडोर हाउसिंग्स। आपका जो कैमरा होता है, जो बुलेट होता है या फिर बॉक्स टाइप का कैमरा होता है, वो आप इस तरह की हाउसिंग्स आती है उसके अंदर आप फिट कर सकते हो, ताकि वो एकदम कंप्लीट प्रोटेक्टेड रहे। अगर ज्यादा हीट हो तो वो हीट से, यानी कि आउटडोर के जो एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा प्रोटेक्शन रहे। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के काफी सारे आउटडोर हाउसिंग्स आते हैं, लेकिन अगर आप नाइट विजन लगा रहे हैं और अगर आपने आगे वाला जो ग्लास है वो रेगुलर रखा है, तो इंफ्रारेड रात के टाइम के ऊपर वर्क नहीं करेगा, पूरा आपको व्हाइटिश दिखाई देगा। इसके लिए इंफ्रारेड अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए
अलग से आउटडोर हाउसिंग्स आती हैं जो इंफ्रारेड कैमरा के लिए होती है, तो वो आपको लगानी पड़ेगी, या फिर ये रेगुलर हाउसिंग के अंदर आपको आगे का जो कवर है वो आप आगे का जो ग्लास है वो आपको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा तो यूज कर पाएंगे, या फिर आप इसके अंदर बॉक्स कैमरा अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपको आईआर लगाना हो तो आप आईआर इल्यूमिनेटर अलग से लगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आई बटन में दे रहा हूं, जाके देख लीजिए। लास्ट में जो हमारे पास में फिफ्थ नंबर की जो एसेसरीज है वो है डीवीआर कैबिनेट बॉक्स, वो भी पीवीसी का। जी हाँ, अगर आपके पास में चार कैमरा आठ कैमरे का एक सेटअप है, या फिर आपके पास में पावर सप्लाईज है, या फिर आपकी कोई स्विचेज है जिसको हमें आउटडोर में सेट करना पड़ता है, तो आउटडोर के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा एसेसरीज मिलती नहीं है, तो ये कुछ इस तरह का एक कैबिनेट बॉक्स आता है जिसके अंदर आप डीवीआर भी रख सकते हैं, चार और आठ चैनल का डीवीआर इसके अंदर आराम से आ जाता है। प्लग पॉइंट इसके अंदर दिए हैं, जो आपका डीवीआर है उसको माउंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, पावर सप्लाई भी इसी के अंदर लग जाती है, तो पूरा का पूरा ये कैबिनेट बॉक्स है जिसके अंदर आप हर एक चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप डीवीआर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर पावर सप्लाई लगा सकते हैं, या फिर आप यहां पर पीओई स्विच लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप की एंड लॉक कर सकते हैं, और आउटडोर में ये वाटरप्रूफ होता है तो आउटडोर में आप इसको कहीं पर भी प्लांट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी टोटल पांच एसेसरीज जो मेरे दिमाग में आई, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनना चाहिए। अगर आप इसके अलावा भी कोई एसेसरीज यूज करते हैं, कोई इस तरह के गैजेट्स यूज करते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ में ये भी बताइएगा ये जो पांच एसेसरीज हैं वो कौन कौन लोग यूज करते हैं, अगर यूज करते हैं तो मुझे पता चले कि आप लोग क्या सच में ये सब चीजें यूज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।